आज हम पढ़ेंगे परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 2 है। तो अब हम देखेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती है। मान लीजिए आपके पास दो पूर्णांक है p एवं q। q का मान यहाँ पर शून्य नहीं है, तो p बटा q एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, p भी एक पूर्णांक है और q भी एक पूर्णांक है, लेकिन q का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। तो पी वटा क्यू एक परिमेय संख्या है। अब आप इसके उदाहरण देखें। पहला उदाहरण आप देखें, मान लीजिए हमारे पास है 5/2। तो यहां पर पी का मान है 5 और क्यू का मान है 2। ध्यान दीजिए, क्यू का मान कभी शून्य नहीं है। दूसरा उदाहरण आप देखें, 7। तो 7 को हम लिख सकते हैं 7/1। यहां पर भी पी का मान है 7 लेकिन और क्यू का मान है 1। ध्यान दीजिए, यहाँ भी क्यू का मान शून्य नहीं है। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। सभी वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती वे अपरिमेय संख्याएं होती है। उदाहरण के लिए आप देखिए √2, √3 या पाई, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या को हम पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब हम देखेंगे परिमेय संख्या का दशमलव स्वरूप। परिमेय संख्या का दशमलव स्वरूप दो तरीके से हो सकते हैं। पहला होता है 7। 7 के लिए आप एक उदाहरण देखें, 5/2। तो 5/2 को अगर हम दशमलव रूप में लिखें, कैसे लिखेंगे? भाग देंगे हम। अगर हम 5/2 को 2 से भाग दें तो 2, 4, 1। दशमलव के बाद हम यहाँ पर शून्य लगा सकते हैं, तो आएगा 5 और 10। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भाजन विधि पूरी तरीके से पूर्ण हो गई है, शेषफल शून्य है। तो हम कह सकते हैं कि 5/2 परिमेय संख्या का दशमलव स्वरूप 2.5 है और ये शांत है। शांत का मतलब होता है जो कभी खत्म हो जाए, अर्थात 2.5, 5 के बाद इसमें कोई अशून्य अंक नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि 2.5 एक शांत दशमलव स्वरूप है। अब हम देखेंगे अशांत एवं आवृत्ति दशमलव स्वरूप। उदाहरण आप देखें, 5/3, आप इसको भी भाग दें, 5 को भाग दें 3 से, तो आप देखेंगे 1 और 3, शेषफल आएगा 2। दशमलव लगाएं, 0, 6, 18, फिर से 2, फिर से 0 लगाएं, 18, 2, 6। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5/3 जो होगा उसका दशमलव स्वरूप होगा 1.666 और अनंत बार 6। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो 5/3 है उसका दशमलव स्वरूप अशांत एवं आवृत्ति है। अशांत का मतलब आप सभी अब तक समझ ही गए होंगे कि जो कभी खत्म ना हो, मतलब 1.666666, तो 6 इसमें लगातार आ ही रहा है, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। और आवृत्ति का मतलब हुआ जो अपने आप को दोहरा रहा है, जैसे 6, 6, 6, 6, 6, यहाँ पर 6 अपने आप को बार बार दोहरा रहा है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1.666, तो हम क्या करते हैं, जो भी भाग अपने आप को दोहरा रहा है उसके ऊपर हम रेखाखंड खींचते हैं। जैसे 1.6 और 6 के ऊपर एक रेखाखंड खींच दिया। इस रेखाखंड का मतलब होता है कि जिस जिस भी भाग के ऊपर हमने रेखाखंड खींचा है वो बार बार अपने आप को दोहरा रहा है। एक और उदाहरण देखें, 0.67, 6, 7, 6, 7 और अनंत बार 6, 7। तो हम इसको लिख देते हैं 0.67 और 6, 7 के ऊपर हम एक रेखाखंड खींच देते हैं। यहाँ पर भी रेखाखंड का वही मतलब हुआ कि 6, 7 जो खंड है वो तो बार बार अपने आप को दोहरा रहा है। अब हम देखते हैं कि शांत को, किसी भी शांत दशमलव स्वरूप को हम अशांत एवं आवर्ती दशमलव स्वरूप में कैसे लिख सकते हैं। एक उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण आप देखें, 5.4, हमारे पास कोई भी अंक है 5.4। तो हम आप जैसा कि आप सब जानते हैं, 5.4 बराबर होता है 5.40 के, और ये बराबर होता है 5.400 के। और हम अनंत जीरो लगा ले, लेकिन 5.4 का मान 5.400 के बराबर ही रहता है।
तो हम ऐसा बोल सकते हैं 5.4 का मान 5.40 और शून्य के ऊपर एक रेखा खींच देते हैं। तो ये तो है शांत, 5.4 एक शांत दशमलव स्वरूप है, और 5.40 और जीरो के ऊपर रेखाखंड यह है अशांत एवं आवर्ती वाला। तो हमने ये देखा कि हम किसी भी शांत दशमलव स्वरूप को अशांत एवं आवर्ती दशमलव स्वरूप में बदल सकते हैं। अपरिमेय संख्या का दशमलव स्वरूप, अपरिमेय संख्या का जो दशमलव स्वरूप होता है वो ना तो शांत होता है और ना ही उसमें किसी भी भाग की या किसी भी अंक की आवृत्ति होती है। उदाहरण देखें आप, वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 का जो मान होता है वो होता है 1.73205080, और ऐसा ये अनंत तक चलता रहता है। आप ध्यान दें कि इसमें ये कभी खत्म नहीं होगा, अर्थात मतलब ये चलता ही रहेगा अनंत तक, इसमें अंक आते रहेंगे और कोई भी भाग कोई भी अंक की आवृत्ति यहाँ पे नहीं हो रही है, मतलब कोई भी अंक और कोई भी भाग अपने आप को दोहरा नहीं रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 का जो मान होता है वो होता है 1.41421356 और ऐसा आगे। ये इसमें भी आप ध्यान दें कि इसमें भी कोई किसी भी भाग की आवृत्ति नहीं हो रही है और ये शांत भी नहीं है। एक और नंबर आप ध्यान देखें, इसका नाम आपने सुना होगा, ये होता है पाई। पाई पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है जिसका मान ये होता है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको मान केवल 100 दशमलव संख्याओं तक अंकों तक बताया है, ये इसके आगे भी रहता है, ये अनंत तक होता है और आप देख सकते हैं कि इसमें किसी भी भाग की किसी भी अंक की कोई आवृत्ति नहीं हो रही है। अब हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती है जो या तो परिमेय हो या अपरिमेय हो। एक तरीके से हम बोल सकते हैं परिमेय संख्याओं का समूह और अपरिमेय संख्याओं के समूह को मिलाने पे जो समूह प्राप्त होता है वो वास्तविक संख्याओं का समूह होता है, और उस समूह की हर एक संख्या को हम एक वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये आयत वास्तविक संख्या है, तो इसमें छोटा वाला आयत अपरिमेय संख्या है और ये एक और छोटा वाला आयत परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याओं का समूह और परिमेय संख्याओं का समूह को मिलाने पे जो समूह प्राप्त होता है वो होता है वास्तविक संख्याओं का समूह। उदाहरण देखिए आप वास्तविक संख्या के, उदाहरण 5/2 एक वास्तविक संख्या है, 2.3 भी एक वास्तविक संख्या है क्योंकि हम 2.3 जो कि शांत दशमलव स्वरूप है इसको हम p/q की तरह लिख सकते हैं और वो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये एक परिमेय संख्या है इसीलिए वास्तविक संख्या भी है। √2 जो कि एक अपरिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या भी है। पाई ये भी एक वास्तविक संख्या है, और 7, 0 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो अब हम देखेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा। सारांश, आज हमने पढ़ा परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, उनके प्रकार क्या क्या होते हैं, संख्याओं को दशमलव स्वरूप में कैसे लिखा जाता है। परिमेय संख्याएं के संख्याओं का 2 तरीके का दशमलव स्वरूप होता है और अपरिमेय संख्या का 1 दशमलव स्वरूप होता है, और आखिर में हमने देखा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। धन्यवाद।